रात में कैंट थाना की पुलिस ने हमारे बहुत ही एक सराहनीय कार्य हुआ कि एक वाहन चोरों को ऐसे गैंग को गिरफ्तार किया है जो अभी तक लाइट में नहीं थे। इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना होने की वजह से पहले से जानकारी में भी नहीं थे। ये मौके पर रंगे हाथ पकड़े गए। ये गाड़ी को खोल रहे थे, ये चाबी से, मास्टर की से। इनसे जब पूछताछ की गई तो उसके आधार पर कुछ 6 गाड़ियाँ इनसे बरामद हुई और इनकी जानकारी करें मालूम चला कि ये एक लड़का तो उसमें MCA लास्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट भी है, बट वो स्कूल कम ही जाता है। घर परिवार उससे दुखी होकर के उसको भेज दिया था झांसी में कुछ काम वाम करने के लिए, यहाँ से हटा दिया था। और दूसरा लड़का जो यहीं पे है उसके पास से एक अखबार की फर्जी ID भी मिली है। वो जब कभी गाड़ी वाड़ी उठाते समय उसको बता रहा कि एक बार थोड़ा सा डाउट्स हुआ था, वहाँ लोग पूछने लगे थे तो उसको दिखा दिया था। तब से उसको आइडिया थे कि इसको बराबर साथ रखना है, वो फर्जी ID है। उस आधार पर भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इनसे पूछताछ पे कुछ और भी गाड़ियों के बारे में जानकारी मिली है जिस पर हमारी टीमें लगातार लगी हुई है। हमें उम्मीद है कुछ और भी गाड़ियाँ बरामद होगी। ये गिरोह था या फिर ये दो लोग थे? नहीं, ये दो ही लड़के थे। दो लड़के थे और घर के आसपास ही कहीं खड़ा कर देते हैं और उसके बाद जब कोई ग्राहक मिलता है बहुत सस्ते दामों पर 10,000-5,000 रुपये में ये बता के ही बेच देते हैं जिसको कि ये चोरी की है। और जो उससे खर्च मिलता था मोस्टली इनका खर्च अपने दोस्त मित्र गर्लफ्रेंड या तात्कालिक खर्चों के लिहाज से ये चोरियाँ करते थे।